नाम लगाकर, मेरा फोटो लगाकर कि ये अंजलि अरोड़ा का MMS है। इंटरनेट सेंसेशन अंजलि अरोड़ा, जिनी एकता कपूरेर रियलिटी शो लॉकअपे तार जादू दिए काज करिएछेन, खबरेओ रयेछेन। लोकेरा सोशल मीडियाय दाबी करेछे जे तार कथित MMS फाँस होयेछे एबं क्रमश भाइरल होच्छे। प्रथमे ए निये कोनो प्रतिक्रिया देननि अंजलि अरोड़ा, এমনকি মিডিয়ার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হলেও তিনি উত্তর দিতে চান না বলে এড়িয়ে যান। তবে এবার এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন তিনি। এর সাথে কথিত ফাঁস হওয়া MMS সম্পর্কে অনেক চমকপ্রদ তথ্য তৈরি করেছিলেন। আর যে সিদ্ধার্থ ক্যাননের সাথে কথা বলার সময় অঞ্জলি অরোরা কথিত ফাঁস হওয়া MMS নিয়ে তার ব্যথা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, মানুষ কি করছে আমি জানি না, আমার ফটোতে আমার নাম রাখছি যে এটি অঞ্জলি অরোরার MMS। এই যে আমি জানি না কেন তারা এমন করেছে, মানে ওরা সবাই আমাকে বানিয়েছে। তারও একটা পরিবার আছে এবং আমারও একটা পরিবার আছে, আমার পরিবারও আমার সব ভিডিওই দেখে। আপে সব ভিডিওস ক্রিয়েট করেঙ্গে আর মেরে পাস বহুত হি প্যারে প্যারে BTS হ্যায়। জব হাম শুট কর রহে থে তো মানে সারে BTS শুট করওয়ায়ে থে। লকআপ কি মে বাত করু উসকে বাদ লাইক কাফি টাইম বাদ আপনে গানা। Yes, লকআপ কে বাদ ইয়ে মেরা জো মেনে লকআপ কে বাদ শুট কিয়া হ্যায়, দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট প্রজেক্ট। সো ইয়ে পহলা হি প্রজেক্ট মেরা আয়া হ্যায়, সো আই এম ভেরি এক্সাইটেড। কাফি ওয়েট করা হ্যায় আপনে। Yes, yes, কিউ করা হ্যায় ইতনা ওয়েট। ইনফ্যাক্ট অপার্ট ফ্রম দ্যাট হাম মুনাওয়ার কি বাত করু উনকা গানা আ চুকা হ্যায়। একচুয়ালি কিয়া হুয়া থা, লিসেন, ইস গানে কে লিয়ে না হামে কুছ ওপেন লোকেশন চাহিয়ে থি। और ओपन लोकेशन के लिए हम मुंबई की बारिश में इतना दिक्कत है कि कभी जब भी हम डेट डिसाइड करते थे बारिश हो जाती थी उस दिन, तो हमारा गाना डिले 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 होता होता अब जाके रिलीज हुआ। इट्स ओके, कहते हैं ना कि सबर का फल थोड़ा मीठा होता है। स्टार बनने के बाद की जर्नी अगर आपसे जानना चाहेंगे तो मतलब कि लोगों ने काफी पसंद भी किया आपको, कई लोगों ने आपको काफी जो है मतलब हेट कमेंट भी आ रहे हैं और मतलब कि लोगों ने काफी नेगेटिव कमेंट भी दिए हैं। हाल ही में आपका एक मतलब एक MMS भी आया हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन आई थिंक। यस, और इसके अलावा लॉकअप की मैं बात करूं, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। इसके अलावा रियलिटी शोज को किस तरह बिग बॉस आने वाला है, हां जी, उसके बारे में काफी चर्चा है, आप जाने वाले हो इस साल, उसके बारे में क्या कहना है? उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम सैया को देखते हैं। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरा लॉकअप के बाद पहला प्रोजेक्ट आया है, सो आई विश कि ये इतना सुपर डुपर हिट जाए। अंजलि जी, अगर आपका कोई सैया होगा तो उसमें क्या क्वालिटीज आप देखती हैं? क्या क्वालिटीज मैं देखती हूँ? अभी मैं बहुत छोटी हूँ। उसको देखने के लिए अभी मुझे थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा हम काफी सारी चर्चा थी कि आपका और मुनावर का भी एक एल्बम आने वाला है, म्यूजिक एल्बम, इसके बारे में कुछ हिंट देना चाहोगे कि भाई आजकल चर्चाएं तो बहुत कुछ चलती हैं, है ना, जो आता है उसी पे बिलीव करना चाहिए। तो आने वाले समय में देखने मिल सकता है हमको, लाइक यू नेवर नो। या अंजलि जी, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाती भी, अगर सैया का दो, ऐसा किसने किसने बोला ये मुझे बताओ जरा? शादाब। कौन? शादाब। शादाब। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है, सफेद झूठ। फिर भी आप दो लाइनें हमारे। अरे मेरी आवाज बहुत बुरी है यार, प्लीज। तो फिर आप सब मेरे साथ गाओगे, ठीक है? ओके, स्टार्ट करें। ऐसा यार, पता है तुम लोग क्या करते हो, मैं गाने लग जाती हूँ और तुम सब चुप रह के बस रिकॉर्ड करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब साथ में बोलेंगे, ठीक है? चलो 1 2 3 स्टार्ट। सैया देखा।